हाय गाइस, वेलकम बैक। काफ़ी दिन हो गए व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि हुसैन के साथ हो गया था एक्सीडेंट। तो आज 12-15 दिन हो गया और आज इसके खुलेंगे स्टिचेस, तो आज से फिर बच्चे ऑनलाइन हो जाएंगे। हम लोग हैं इस वक्त आज़ाद क्लिनिक में। हम आए हुए हैं हुसैन के स्टिचेस खुलवाने के लिए और अनफॉर्चुनेट एक एक्सीडेंट हो गया था 6 फरवरी को, जिसमें इसकी टांग के ऊपर तकरीबन 11-12 स्टिचेस आए थे। तो खैर, अभी हम वो स्टिचेस रिमूव करवाएंगे, हील अप हो गया। और हुसैन के जो व्लॉग्स हैं इंशाल्लाह, और हम सब के व्लॉग्स, वो अब रेगुलरली आना शुरू हो जाएंगे। हमने तकरीबन 10-15 दिन का जो है ना बीच में पॉज किया। और हमारे साथ बेबी भी आया हुआ है। बेबी कह रहा था कि मैं भी भाई के साथ जाऊंगी हॉस्पिटल, स्टिचेस देखूंगी कि कैसे खुलते हैं। ये इरफान भाई हैं। इरफान वालेकुम सलाम। अच्छा, ये इरफान भाई हैं। इरफान भाई पहले होते थे अल हयात हॉस्पिटल में, एडमिनिस्ट्रेटर भी थे और मैनेजर भी थे। और अब ये आज़ाद क्लिनिक जो है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, मैनेजर भी हैं। तो इरफान भाई जो है वो हुसैन के स्टिचेस खोलेंगे। अभी ये हुसैन के स्टिचेस लगे हुए हैं जी। देखे तो हील हो गया इसका। हील हो गया जी। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। गाइस, जहाँ पर टांग के लगे हैं ना वहाँ पे दर्द हो रहा है, उसके आजू बाजू हो रहा है। तो गाइस, बेबी आ गया है कांटे देखने के लिए। हुसैन के कांटे खुल रहे हैं, है ना बेबी? ऐसे खुलते हैं, कांटे खुल रहे हैं ना टांग के। तो गाइस देखें, बेबी ने ना, बेबी ने हुसैन के सर के नीचे हाथ रखा हुआ है ताकि हुसैन का सर चुभे ना लोहे के साथ लग के। भाई बहन का इतना प्यार है। हाँ, इतना ख्याल रखता है बेबी हुसैन का, है ना हुसैन? चीजी भी आज ला के दी है। वैसे मुझे बेबी भी दी है। एक बेबी भी दी है ना भाई ने। उम्र रेगुलर व्लॉग देखने को मिलेंगे, बहुत देर से हमारे व्लॉग्स नहीं आए। तो गाइस, हमें एक न्यू सब्सक्राइबर मिले हैं, उमर भाई। उमर भाई यहाँ पे एज अ रिसेप्शन भी डील करते हैं और ग्लासेस बनाते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक आई स्पेशलिस्ट बैठते हैं। उमर भाई थैंक यू, सब्सक्राइब किया आपने। तो गाइस हम आ गए हैं यूनस स्वीट्स पे जी। चलो जी, इसका देखिए क्या। हाँ, ये चॉकलेट है। तो गाइस हम यहाँ पे आए हुए हैं और बिस्किट और केक ले लिए हमने, दही लेना था, दही भी ले लिया। हेलो गाइस, मैं घर आ गया हुसैन के। क्या निकालने? हाँ हाँ बोलो। हुसैन के टांके खुलवा के, टांके खुलवा के आ गया। अब तो मैंने ना बजारी खा ली थी, एक पापा से ना मैं बहुत उदास हूँ। मेरा ब्लॉग पसंद आया, उसको लाइक करें। अभी मैंने तो हाइपर लैप्स बनाया था, तब मैं आ रहा था। तो गाइस अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:45 और मैं रेडी हो रहा हूँ, क्योंकि आज प्रेजेंटेशन है एक डॉक्टर खालिद हुसैन साहब की, तो उन्होंने जाना है डेजर्ट फार्म, तो मैं उनके साथ ही जाऊंगा। गाइस ये हमने मंगवाई हैं जलेबियाँ, क्योंकि हुसैन के स्टिचेस खुल गए हैं। और ये मोहल्ले में बांटनी यार, मोहल्ले में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मोहल्ले में बांटेंगे इसको। और ये साथ में पकौड़े का सीन चल रहा है। और मेरी चाय कहाँ है भाई? चाय का क्या सीन है? हाँ ये री चाय, ये मेरी चाय बन रही है। अभी मैं पकौड़े के साथ चाय पीऊँगा और उसके बाद फिर हम तैयारी करेंगे डेजर्ट फार्म की। हाँ बेबी क्या हुआ? समोसी खानी थी। समोसी अब मैं ले आऊँगा ना वापस आऊँगा ना, फिर समोसी लेता आऊँगा। हैं ठीक है, ओके बेबी सही है। आप ना मेरे प्यारे अच्छे बेबी बन के पकौड़े खा लो। अच्छा मैं मम्मा को भी कहता हूँ, ओके चलो। हुसैन किधर है? इधर आओ। क्या हो रहा है भाई, क्या सीन है? मैंने मंगाई है जलेबियाँ, आज इसके कांटे खुले हैं, कांटे। हुसैन के टांके खुलने की खुशी में। ठीक है, और ये हम बांटेंगे। क्या करेंगे बेबी? बांटेंगे। बांटेंगे तोरे नहीं।
गाइस मैं आ गया हूँ डॉक्टर साहब के साथ, और सर जी हेलो करते हैं व्यूअर्स को। अच्छा, अब डॉक्टर साहब की प्रेजेंटेशन है, अभी हम जा रहे हैं डेजर्ट पाम में, वहाँ पे आपको मैं हाइपरलैप्स भी दिखाऊंगा और डॉक्टर साहब की डायबिटीज़ की प्रेजेंटेशन। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं डेजर्ट पाम, और यहाँ पर जो है वो प्रेजेंटेशन है। दे दे मुझे। सो गाइस मैं अभी नीचे आ गया हूँ, और डॉक्टर साहब की जो है वो प्रेजेंटेशन चल रही है। ऊपर प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गई है, और अभी तकरीबन 30 मिनट्स जो है वो ऑलमोस्ट लगेंगे प्रेजेंटेशन के, वर्कशॉप के। गाइस ये है प्रेजेंटेशन जो है ना, आज उसका टॉपिक है प्रैक्टिकल गाइडलाइंस ऑन द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ इन रमज़ान, के रोज़े रखने के लिए जो है वो गाइडलाइंस क्या हैं जो प्रैक्टिकली अप्लाई हो सकती हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। जो डॉक्टर खालिद हुसैन साहब का लेक्चर है वो इन गाइडलाइंस के मुताबिक है। तो गाइस लंच के सीन जो है ना, अब वो ओपन हो गए, तो अभी जो है वो हम लंच करेंगे। तो गाइस अभी लंच वगैरह हो गया, तो अभी हम स्वीट्स चेक करते हैं। यहाँ पर शाही खीर है, तो गाइस अभी हो रहा है चाय प्रोग्राम और चाय चल रही है अभी। तो जी हम अभी निकल आए हैं, और मैं जा रहा हूँ अभी वापस हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के बाद मैं जाऊँगा घर। ये देखिए अभी मेरे बाल इतने बड़े हो गए हैं, कल शायद मैं गंजा होऊंगा या फिर मेरे बाल कटेंगे, और आप वो कल के व्लॉग में देखेंगे। ये देखो गाइस मेरे बाल, अभी हम और अभी इसके देखे, ये देखो आप अपने बाल दिखाओ कहाँ तक आ लिया। हाँ जी हुसैन, कौन जीता गेम? बट बेबी, बट बेबी विनर, बट बेबी भाई विनर है, जो भी जीतेगा बेबी विनर होगा। किसी और को जीतने नहीं देना हमने। चल अब पहली मेरी बेबी लेता है रानी, अब पहली। तो गाइस अभी हम गेम खेल चुके हैं, और मैं और हुसैन बेबी जो है वो तीनों गेम खेल रहे थे, लेकिन बेबी विनर हो गया। हुसैन कितना टाइम हो रहा है? 10:15 हो रहे हैं, और अब हमारा सोने का टाइम है गाइस। तो आज का व्लॉग हम करते हैं दी एंड। बेबी ठीक है, हम व्लॉग एंड कर दें? व्लॉग एंड कर दें? चलो जी भाई, बेबी का मन नहीं करा व्लॉग एंड करने में, तो इसलिए फिर अब हम व्लॉग एंड कर रहे हैं। हाँ नहीं कर रहा, चलो कर रहा है तो आ जाओ फिर, व्लॉग एंड कर रहे हैं। चलो जी, जब तक बेबी जो है वो गेम खेलता है, हम अपना व्लॉग एंड कर रहे हैं। हुसैन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। गाइस अभी मैं स्कूल से थक आया था, ठीक है, मैं हिंदी पूरी करता जाऊंगा, ठीक है। मैंने स्कूल से पेपर दे दिया था, और तब तक के लिए थैंक यू। अगर मेरा ये व्लॉग पसंद आया उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, उसका बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलना। थैंक यू वाचिंग शो, बाय। हेलो गाइस, अभी हुसैन का स्टेटस खुल गया, लेटे लेटे हुसैन रोया भी नहीं था,
वो तो बहुत बड़ा है। ठीक है, अभी मैं घर जा रहा हूँ, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मैं घर रोटी खाऊंगा करी के साथ, अभी चला जाऊंगा। बाय इरफान भाई, बहुत मेहमान है। छोड़ो।